बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त और मिनटों में बन जाने वाला ब्रेकफास्ट। और ये ब्रेकफास्ट एक ही पैन में बनकर तैयार हो जाता है और स्कूल गोइंग बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए ये एक बहुत हेल्दी और मज़ेदार सैंडविच है। ये मैंने एक स्लाइस लिया है जिसे इस तरह से चमचे की मदद से ब्रेड के किनारों को छोड़ते हुए पूरी ब्रेड को दरमियान से फ्लैट कर लेना है। चमचे की मदद से फ्लैट कर लेने के बाद आप देख सकते हैं इसमें एक स्पेस ही बनकर तैयार है। अब इस तरह पूरे स्लाइस पर बहुत अच्छे से बटर लगा लेना है। फ्रेंड्स, अब इसका हमें सैंडविच बना लेना है। फ्रेंड्स, सैंडविच बनाने के लिए पैन चूल्हे पर रखा है लेकिन इस वक्त फ्लेम ऑफ है। पहले इस तरह से बटर को पैन में फैलाते हुए लगाना है। अब इस पर इस तरह से स्लाइस रखेंगे और एक अंडा जो हमने स्पेस बनाया है उसमें इस तरह तोड़ कर डालेंगे। अब इस पर हसबे जायका नमक, पिसी हुई काली मिर्चें और लाल मिर्चें या फिर पेपरिका स्प्रिंकल कर लेते हैं। और ये मैंने चेडर चीज़ का एक स्लाइस लिया है जिसे मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिया है। इस तरह अरेंज करते हुए ब्रेड के किनारे किनारे पर रखेंगे। अब फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और पैन को कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। अगर आप सैंडविच को बेक करना चाहते हैं तो प्री हीट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 7 मिनट ही बेक करेंगे। ये हमारा मज़ेदार चीज़ी एग सैंडविच बनकर तैयार है। अब इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं अंडे की जर्दी भी पूरी तरह पक चुकी है। अगर आप हाफ फ्राई रखना चाहते हैं तो फिर 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाइएगा। इस प्रोसेस से आप जितने चाहें सैंडविचेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा पैन है तो एट अ टाइम 2 से 3 सैंडविचेस भी बना सकते हैं। मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त एहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।